that were coming in a short while back that still continue of the ruckus and the pandemonium that has ensued in the MCD house as the blame game continues, where the BJP says that all of the ruckus that was started by the AAP leaders, and this is because they were unaware of the rules. When they are in majority, why are they afraid? And the Aam Aadmi parties also do the same in parliament as well. They should allow the voting to happen. On the other side, the Aam Aadmi party has been saying that it is the BJP which is indulging in hooliganism and swearing in of nominated councillors that was being held first. A ruckus broke out when the Aam Aadmi party leaders objected and asked that the swearing in of elected councillors should be held first. Now this is what they are blaming the BJP of, starting the pandemonium in the MCD house that still continues. Let's go back to Mayank for more on this, because Mayank, as far as the proceeding in the house is concerned, the hangama is happening. Jo log jinko ek bhi vote nahi mila, nominated parshad hai, unko kaise vote dene ka pehle wo shapath dilai ja rahi hai. शपथ जो चुनकर आए लोग हैं उनकी शपथ कराइए. मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से भी जो चुन के आए उनकी शपथ पहले कराइए, चुने हुए का पहले कराइए. जो जो परंपरा रही है उसको पालन कीजिए. सर बीजेपी का कहना है कि जो नई नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने तमाम जो आप सारे रूल्स उठा के देख लीजिए. ये जितने भी नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको डीएमसी एक्ट के खिलाफ जाकर वोटिंग राइट देना चाहते हैं, मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में, जो नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, डीएमसी एक्ट के विरुद्ध है, वो करना चाहते हैं. बीजेपी वाले जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनको वोटिंग राइट नहीं होता है और ये उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं. संजय जी, पूरा देश आज दिल्ली एमसीडी की प्रोसीडिंग्स देख रहा है. इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की क्या गुंडागर्दी की है बीजेपी ने, देख लीजिए आप किस तरीके से हमारे दो बार के चुने हुए पार्षद को लहूलुहान कर दिया गया, जानलेवा हमला किया गया, इनका गर्दन दबाया गया. एंड देयर दे स्टार्टेड इट, दी रकस स्टार्टेड एंड नाउ दे आर गोइंग टू फाइल अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट देम एज वेल. देर आर सेवरल अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी हु आर एंड सर बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं, जो पार्षद हैं, वो लोग शार्प वेपन्स लेकर आए थे, उन्होंने बीजेपी के पार्षदों पर अटैक किया. ऐसा क्यों हुआ सर, ये पूरा देश देख रहा है आज. एमसीडी आज आम आदमी पार्टी के दूसरी बार चुने हुए पार्षद प्रवीण कुमार के हाथ को तोड़ दिया गया, उनके खून आ रहा है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए. बीजेपी के सारे सांसदों के सामने बीजेपी के पार्षद ये हरकत कर रहे हैं, बेईमाना. जब दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की एमसीडी के अंदर हरा दिया तो क्यों बेईमानी से वो सत्ता पे बैठना चाहते हैं, क्यों खूनी संघर्ष हाउस के अंदर करना चाहते हैं, ये दिल्ली की जनता देख रही है, सारे देश की जनता देख रही है. सबसे पहले इन्होंने बेईमानी की कि प्रोटम जो मेयर बनता है वो बहुमत के लोगों का बनना चाहिए, इन्होंने नहीं बनाया. आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया. इन्होंने बेईमानी करी एलजी के माध्यम से कि जो चुनी हुई सरकार है उसके माध्यम से एल्डरमैन बनाने चाहिए थे, उनके माध्यम से नॉमिनेटेड काउंसलर बनाने चाहिए थे, इन्होंने नहीं बनाए. अब ये बेईमाना करना चाहते कि एमसीडी एक्ट के सेक्शन 31A के अंदर जो लिखा हुआ है कि कोई नॉमिनेटेड पार्षद वोट नहीं कर सकता, ना मेयर के लिए, ना डिप्टी मेयर के लिए, और ना ही हाउस से जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुने उनके लिए. ये चाहते हैं कि इस कानून के विपरीत, एमसीडी एक्ट के विपरीत जाके उनको कसम भी दिलाई जाए, उनको शपथ भी उठाई जाए और उनसे वोट भी कराए जाए. ये चुने हुए पार्षद है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे कि बेईमाना ना करो, गुंडागर्दी ना करो, कानून के रास्ते चलो. जी छोटा सा सवाल, प्रवीण जो है एमएलए 100% क्यों उनको पहले शपथ दिलाने पर तुली है, क्यों उनको ये घोषणा करें कि उनकी वोटिंग नहीं होगी, फिर शांति से हाउस चलाएं. अगर भाजपा ये चाहती है आपसे बस इनको नहीं दिया जाएगा तो आप हंगामा ये शांत करने देंगे? हमारे पार्षद तो पहले ही शांत है जी, बीजेपी के पार्षदों को भी शांत होना पड़ेगा. वो धक्के के जोर पे, गुंडागर्दी के जोर पे ये वोट करना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी. अब आगे क्या आपकी प्रक्रिया रहने वाली है, क्या ऑफिशियल कंप्लेंट करने वाले हैं आप लोग? नहीं सुनिए, हम बहुमत में हैं, हम बहुमत में हैं, हम क्यों नहीं पहुंचना देना चाहेंगे? वो अल्पमत के अंदर है. एक एक सीधी सी बात है, ये सारे देश की जनता देख रही है. बहुमत के लोग जिनका मेयर चुना जाना है, जिनका डिप्टी मेयर चुना जाना है, कानून के रास्ते चुना जाना, हम क्यों अवरोध करना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है कि लीगल कंप्लेंट करने वाली है आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश हो रही है, क्या ये बात सही है? आप 100% सही है.
हर व्यक्ति के पास फोन जा रहा है, लोगों को जाके मिल रहे हैं, ऐसा कदापि उचित नहीं। सर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी, क्या आप लोग भी लेंगे? क्योंकि आपके दो टाइम के जो काउंसलर हैं उनको भी उनका अंगूठा तोड़ दिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, इससे घटिया बातें नहीं हो सकती और ना ही करनी चाहिए। So that was Sushil Gupta, member of parliament from the Aam Aadmi Party, clearly now stating that this is hooliganism which the BJP councillors started inside the house, and such disturbing scenes we have never seen in the life. But blame game has started. Aam Aadmi Party blaming the Bharatiya Janata Party blaming the Aam Aadmi Party, but such unprecedented scenes over here, disturbing visuals that the entire country is watching currently, and this is just right outside the house where we are reporting from. More councillors coming out and alleging after each other, but certainly it is those elected candidates from both the parties who have come over here to maintain the system of this country, but certainly you know, still the ruckus going inside the house as we are reporting from Civic Center, and more councillors coming over here and alleging that it was even the sharp weapons that was taken by the Aam Aadmi Party councillors. Behavior, Ashwarya, on part of these councillors. Remember, these councillors have been chosen by the people of national capital to fix everything that's going wrong as far as the civic infrastructure here in Delhi is concerned. Ashwarya continues to stay on with us with more voices. लगातार आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनके उनके काउंसलर्स पर भी हमला किया गया, रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है बीजेपी, खरीद फरोख की राजनीति कर रही है, क्या कहें? जिस पार्टी के पास सत्ता हो और वो ऐसे लोकतंत्र की हत्या करे, ये दिखाता है कि अंदर से फ्रस्ट्रेशन में है वो। आप ये बताइए किस प्रकार से महिलाएं यहीं खड़ी हैं, उनके साथ मैन हैंडलिंग करी, उनके साथ बदतमीजी करी, उनके साथ छेड़छाड़ करी आम आदमी के पार्षदों ने, ये क्या दिखाता है? वो कह रहे हैं कि पहले जो चुनिंदा पार्षद है उनका क्यों वोट कराया गया, ये तो रूल्स में आता ही नहीं है, पहले चुने हुए पार्षद। भाई साहब, इस वक्त बात ये नहीं है, उनकी ये फ्रस्ट्रेशन को बहाना चाहिए सिर्फ। सवाल सिर्फ इस चीज का है कि आप कहते हो मैं सत्ता के अंदर हूँ, तो फिर डर किस बात का है? डर किस लिए लग रहा है उन लोगों को? होने दीजिए वोट, होने दीजिए सब कुछ, कार्रवाई होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी, सदन के पटल के ऊपर लीगल केस करेंगे क्या, पुलिस कंप्लेंट करेंगे? क्योंकि आगे कार्रवाई हम क्या होगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये है कि तुरंत से तुरंत अंदर ओथ हो और एमसीडी के जो मेयर के चुनाव है होने चाहिए। आज दिल्ली एमसीडी को पूरा देश देख रहा है, डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। लोकतंत्र की आज हत्या करी आम आदमी पार्टी ने, लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? जो पार्टी क्लेम करते कि मैं सत्ता के अंदर हूँ, इस प्रकार का नंगा नाच करेंगे वो? सवाल ये है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे? ये कहां की बात इंसानियत है? कुछ पार्षद आपके ये भी कह रहे हैं कि शराब पी के आए थे आम आदमी पार्टी। निश्चित तौर के ऊपर, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? ये अपमान है इस संसद का, ये अपमान है इस मंदिर का। किस प्रकार की ये हरकतें कर रहे हैं ये लोग? लेट अस टॉक टू सम मोर बीजेपी काउंसलर्स एज वेल हुआ हियर। मैम, आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ हुआ था, क्या आपके ऊपर भी हमला किया गया? हाँ जी, मेरे बाल नोचे और मुझे नीचे धक्का देके नीचे जानबूझ के गिराया गया। आखिर ऐसा रकस शुरू क्यों हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? शुरू वो मनोनीत जो पार्षद थे उनके शपथ लेने के लिए पहले, उस वजह से उन्होंने बस शुरुआत करी और उसके बाद तो उनके सब लोग ऊपर ही चढ़ गए सीधे। क्या जो आप बोल रहे हैं कि कांच के टुकड़े लेकर आए थे और उससे भी हमला किया? वो ब्लेड भी लेके आए हुए थे, कांच के टुकड़े भी लेके आए हुए थे और वो शराब पी के आए हुए थे। क्या पुलिस कंप्लेंट करेंगे आप, लीगल एक्शन लेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। मोर यू नो प्रोटेस्ट विच इज गोइंग आउटसाइड दी हाउस, एज यू कैन सी मोदी की बस, मोदी का राशन, केजरीवाल का केवल भाषण, एंड दिस प्रोग्राम सिविक सेंटर इलेक्शन बीजेपी पार्टी वॉकिंग एंड नाउ disturbing visuals what we have witnessed today in from inside the house, and they have been alleging that it is the Aam Aadmi Party who had done such. आज
जिस तरीके के अंदर विजुअल्स देखने को मिले हैं, डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं, क्या ये एक डेमोक्रेसी को शोभा देता है? हम तो इस चीज के लिए हैरान है पार्षद होने के बाद भी कि लोकतंत्र की इस प्रकार से इन लोगों ने हत्या की है। एक तरफ तो मोदी जी जैसा व्यक्ति लोकतंत्र की सीढ़ी को चूम कर आगे चलता है और उसी लोकतंत्र की हत्या करते हुए इनकी महिला पार्षद लोगों से ऊपर से स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है, धक्का देती है, महिला पार्षदों को चोट मारती है। क्या कह रहे हैं, ये प्री प्लान तरीके से आम आदमी पार्टी ने कराया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि बीजेपी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। बीजेपी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है जो देखिए रूल्स हमेशा के बाद रूल्स के साथ चलती है हमेशा बीजेपी। हमेशा ही मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाई जाती है। जब पिछली बार 30 मनोनीत सदस्य थे उन्हीं को पहले शपथ दिलाई गई थी। ये तो इनकी सिर्फ बहानेबाजी है जिस बहानेबाजी से ये लोग लोकतंत्र की हत्या बार बार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मुझे तो शर्म आ रही है इनके ऐसे नेता अतिशी जैसे नेता भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है और वो चुपचाप बैठी हुई है वहां पर। अतिशी जैसी व्यक्ति को उसे तो शर्म करनी चाहिए इस चीज के अंदर। विजुअल्स ये भी आए हैं, अतिशी मुस्कुरा रही थी जब ये रखा सो रहा था, वो फोन पे बात कर ये प्लानिंग के साथ उन्होंने पार्षदों को हमारे जो है हाथापाई की है हमारे पार्षदों के साथ। Certainly, more leaders now coming out after the house got disrupted here. You can see now leaders are coming in and they have been clearly alleging that it was the Aam Aadmi Party MLAs that had started the ruckus, because first the nominated MLAs was supposed to take the oath, but the Aam Aadmi Party wanted that all those who are elected councillors should take the oath at the house. जी की परिकाष्ठा पार कर रखी है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने, महिलाओं के साथ, युवा कार्यकर्ताओं के साथ छीना झपटी, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, खरीद फरोख करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। क्या जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि मैम चाकू कांच लेकर आए थे, कांच आप लोग कुछ ले रहे थे, नकली चीज ले रहे थे, हमने पहले भी शपथ ली है लेकिन हमने ऐसी शपथ नहीं ली जो आज ये शपथ समारोह कर रखा केजरीवाल सरकार के, तो नए नए बन के आए हैं, उनमें ज्यादा उत्साह है क्या है? कुछ ऐसी चीज ले रहे हैं और नकली चीज दे दो, फिटी कर रहे हैं, ये गलत बात है। आम आदमी पार्टी ओवर ऑन द अदर साइड क्लियरली स्टेटिंग दैट नाउ लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज हु स्टार्टेड द रकस ओवर हियर एट द मेयरल इलेक्शंस, बट दे हैव बीन सेइंग। मैम क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के विजुअल्स, आज पूरा देश दिल्ली एमसीडी को देख रहा है, डिस्टर्बिंग पिक्चर्स, क्या ये शोभा देता है एक डेमोक्रेसी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है जो संसद में जाता है तो धरती चुस्कार के जाता है, ये आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है ये डाइस तोड़ चुके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से हाथापाई, तब से टेबल पे खड़े हैं जहाँ पे मेयर की कुर्सी होती है, जहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, कल को हम भी अपने दस्तावेज वहाँ पे रखेंगे। हम सबके लिए स्कूल में सिखाया जाता है, बचपन से ही संस्कार मिलते हैं कि टेबल चेयर भी पूजनीय होती है, ये तब से उस पे खड़े हैं। महिला पार्षद इनकी इस तरह की भाषा बोल रही है कि एक सभ्यता सौम्यता जो नारी का असली श्रृंगार है वो सब भी घर छोड़कर आई है। यहाँ पे बुजुर्ग महिला को ये कह रहे हैं कि चार जूते उतार के मारूंगी ना तेरे को पुट्टी समझ में आ जाएगा, ये आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद के शब्द है। एक एजेंट यहाँ पर 3 बार की पार्षद महिला जो बीजेपी से है उनके लिए, इनके आम आदमी पार्टी के एक बुजुर्ग पार्षद वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं आओ मारो इन्हें मारो, और हमारे कार्यकर्ताओं को थक्के मार मार के उनके पार्षद जो एक कुर्सी उठा उठा के फेंक रहे हैं, ये ऐसे गरिमा है, ये संसद की गरिमा, ये हाउस की गरिमा है, इनको जंतर मंतर पे शोभा देता है, हाउस में जनता को इन्हें नहीं भेजना चाहिए। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांच के नुकीले टुकड़े लेकर आए थे, उनसे आपके ऊपर प्रहार किया गया, शराब पी के भी कुछ, ये हाल था कि ये हमारे पार्षद भाई है, इन्होंने हम बहनों को पीछे कर दिया, लेकिन ये हमारा पहले से मूल मंत्र था, हम कोई हाथापाई नहीं करेंगे, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, हम बिल्कुल तहजीब से खड़े। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप लोग उस बुजुर्ग पार्षद ने आम आदमी पार्टी के उसको इसमें बुरी तरह से धक्का दिया, वो सीधा नीचे आ गया। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि रूल को फॉलो नहीं कर रही है, बात करते हैं 2017 में आम आदमी पार्टी ने अपनी मर्जी से 30 ऑर्डर